स्टार प्लस का शो अनुपमा आज एक फेमस सीरियल बन चुका है, जिसमें नजर आ रहे सभी कलाकार काफी ज्यादा मशहूर हो चुके हैं, जिनमें से एक है पारस कलनावत, जो कि इस सीरियल में अनुपमा के बेटे समर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारे हैं, जिन्हें हर कोई पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहाँ सभी इन पर अपना प्यार लुटाते रहते हैं, पर वहीं एक अभिनेत्री ने इन्हें पसंद करने की जगह इन पर बहुत ही शॉकिंग इल्जाम लगाया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मगर उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनुपमा सीरियल में समर का किरदार निभाने वाले अभिनेता पारस कलनावत को तो हर कोई जानता है, जिन पर लाखों लड़कियां फिदा है। मगर आपको बता दें कि एक अभिनेत्री ने इन पर काफी शॉकिंग इल्जाम लगाया है, और जिस अभिनेत्री ने इन पर इल्जाम लगाया है, आपको बता दें वो कोई और नहीं बल्कि इनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है उर्फी जावेद, जिन्होंने इन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पारस के साथ ये रिलेशनशिप एक गलत रिलेशनशिप था, जो कि सिर्फ मेरी बचपन की गलती थी। मैं तो इनसे एक महीने के अंदर ही अलग होना चाहती थी, मगर उनकी बचकानी हरकतों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। मगर फिर मैंने हिम्मत करके उन्हें कहा कि मैं इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहती, तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा फोन कॉल किए ताकि मैं उन्हें ना छोड़ूं, मगर मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, जिसके बाद पारस किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए और मुझसे अलग हो गए, जिसके बाद मुझे अनुपमा सीरियल में काम करने का ऑफर आया, मगर पारस ने अनुपमा सीरियल के डायरेक्टर को मना कर दिया कि वो मुझे कास्ट ना करे, क्योंकि उनकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं चाहती है कि मैं सीरियल में काम करूं। यही वजह है कि मेकर्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे ये शो नहीं मिला, ये सब कुछ पारस ने किया है। तो दोस्तों, यही था वो इल्जाम जो उर्फी जावेद ने पारस कलनावत पर लगाया है, जिसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ पारस और उर्फी ही जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पारस कलनावत पर जो इल्जाम लगा है वो सच है या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।